और मैं हूँ आपके साथ निधि सिंह। अमित शाह के बिहार दौरे से पहले मचा बवाल। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं अमित शाह बिहार के दौरे पर आने वाले हैं, लेकिन इस बीच बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक बवाल देखने को मिल रहा है। बात बिहार की करें तो शाह के बिहार दौरे से ठीक पहले सासाराम में दो पक्ष के बीच हिंसक झड़प हुई। नगर थाना के सहजल लाल पीर में दो पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। दरअसल रामनवमी के मौके पर जुलूस के दौरान दो पक्ष के बीच विवाद हुआ था। 30 मार्च को देर रात को हुई भारी तनाव के बाद आज उपद्रवियों ने दो घरों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद नगर थाना क्षेत्र के सहजल लाल पीर का एक इलाका रण क्षेत्र में बदल गया। मौके पर पहुंची पुलिस को उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। हालांकि डीएम धर्मेंद्र कुमार और एसपी विनीत कुमार मौके पर पहुंचकर हालात को काबू करने की कोशिश की। वही इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। तनाव के कारण सासाराम की कादिरगंज मुबारकगंज चौखंडी नवरत्न बाजार में पूरी तरह से दुकानें बंद हो गई है। वहीं उपद्रवियों ने कई वाहनों में भी तोड़फोड़ की है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक हालात निरंतर में है, लेकिन तनाव की स्थिति फिलहाल तो बनी हुई है। स्थिति यह है कि ईंट और पत्थर से इलाकों की सड़कें पूरी तरह से पट गई है। शहर में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और इतिहास के तौर पर पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अमित शाह 2 अप्रैल को सासाराम का दौरा करने वाले हैं। गौरतलब है कि रामनवमी पर देश के कई शहरों में ऐसी तस्वीरें सामने आई है, इससे तनाव बना हुआ है। वैसे तो 30 मार्च को दोपहर गुजरात के वडोदरा से लेकर दो बार पथराव की खबरें आई थी। इसके बाद शाम को बंगाल के हावड़ा और फिर इस्लामाबाद में हिंसा और आगजनी की घटना हुई। इतना ही नहीं, यूपी की राजधानी लखनऊ की एक यूनिवर्सिटी में भी छात्रों के गुट भिड़ गए। वहीं रामनवमी के ठीक पहले महाराष्ट्र के दो जिलों संभाजीनगर और जलगांव में तनाव और हिंसा हुई थी। यानी कि रामनवमी के दिन से देश के कई राज्यों में बवाल मचा हुआ है। हालांकि बिहार में देश के गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को देखते हुए यह बवाल चर्चा का विषय बना हुआ है और प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि राज्य में हिंसा की घटनाएं ना हो। अब देखना यह है कि देश में जारी इस बवाल पर कब लगाम लगता है। तो फिलहाल यह रिपोर्ट यही तक थी। अब दीजिए मुझे इजाजत और तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल रबजी लाइव न्यूज के साथ। और हाँ, अगर आप हमारे रबजी लाइव न्यूज पर अभी अभी आए हैं तो उसे जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।